अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स मैट्रिक के हैं, इंटरमीडिएट के हैं और बीएससी बीएस मैथमेटिक्स के हैं, उनकी आसानी के लिए ये वीडियो और ये चैनल हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर वन, यूनिट नंबर वन है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस जो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं। कि पहले तो हम देखेंगे कि मैट्रिसेस है क्या। जब हमें मैट्रिसेस का पता चल जाएगा, उसका हम बायोडाटा लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को हल करने में या सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस एक वर्ड है, मैट्रिक्स, पहले इसको भी लिख लेते हैं। तो आपकी आसानी के लिए, मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, एक वर्ड है सिंगुलर है, वाहिद है, अकेला है, और इसकी जो जमा होगी प्लूरल उसे कहते हैं मैट्रिसेस। वर्ल्ड की डेफिनेशन जाने से पहले हम देख रहे हैं कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्ड मैट्रिक्स विच इज सिंगुलर। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स मेन फिर क्या निकला, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, इसकी पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जल्दी से जान लेते हैं। मैट्रिक्स दी इसकी डेफिनेशन है, the arrangement of numbers or elements in a pair of brackets, brackets के अंदर कुछ numbers का arrange करना, उसे हम क्या कहते हैं, matrix। What is matrix? Your defined matrix, the arrangement of numbers or elements in a pair of brackets is called matrix। इसकी मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 8, 1, एनी ऑफ द नंबर्स, और इनको हमने पेयर ऑफ, ये ब्रैकेट्स हैं, इनका जोड़ा है ब्रैकेट्स का, इसके अंदर हमने अरेंज किया है। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है इसको जनरली जो कैपिटल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, इससे डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे, यहां पे कहेंगे कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस,
एक और मिसाल देख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स के तरतीब देना नंबरों का, नंबरों का तरतीब देना पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर, क्या कहता है इसे, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स तो हमने बना ली, तो मैट्रिक्स के जो लवाजमात हैं उसको जान लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हम देखते होते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या, अज्जा, इनके इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मैट्रिक्स को इसमें नंबर तो अरेंज कर दिए हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये क्या चीज है, इसको हम कैसे जानेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इसको देखने के लिए ये जो मैट्रिक्स है इसको हम जानेंगे, इसके दो एलिमेंट्स, दो चीजें हैं, ये जो नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं, जो नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं इनको कहते हैं एलिमेंट्स, और एंट्रीज 1, 3, 4, 5, 7, 9, 2, ये ईच ऑफ द नंबर इज वन एलिमेंट और वन एंट्री, इसको उसके अलावा ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह से जाना जाएगा, इसके जो ये द नंबर्स अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल वे उसे क्या कहते हैं, रो, नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, रो है इसकी, इसे रो से जाना जाता है, और जो नंबर्स वर्टिकल लाइन में है उसको रो कहा, ये नीचे को हॉरिजॉन्टल मींस ये सीधा हॉरिजॉन, 1, 3, 5 वर्ड्स जो है इसे हम रो कहेंगे, और 1, 7, 3 इसे हम कॉलम कहेंगे, इसमें ये रो नंबर 1 है, इसे हम R1 कह सकते हैं, और ये रो नंबर 2 है R2, और ये R3। सिमिलरली ये जो है ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, इस तरह से इसके कंपोनेंट्स को हम रोज और कॉलम्स से जानते हैं, और जो इसकी इसके अंदर जो नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स और एंट्रीज। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, मजीद इसकी डेफिनेशन इसमें यही है कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आगे चलते हैं जरा, बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 1.1 अब हम देखते हैं दूसरी जो चीज इसकी है, मैट्रिक्स को एक और इसमें आ जाता है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। पहले हम एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स ड्रा करते हैं, 1, 3, 2, 5, 9, 6 इसमें हमें पता है कि इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से रो कहते हैं, कितनी रोज हैं, 1, 2, 3, और कॉलम्स कितने, 1।
अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एम बाय एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m by n is equal to, this is the scientific name of or scientifically denotion of order of the matrix. ये क्या है? Number of rows. By multiply है और n is number of columns इस तरह m by n is equal to total number of elements इसको order of the matrix कहा जाएगा इसमें m by n क्या है m number of rows 1, 2, 3 by n क्या है number of columns 1, 2, 2 ये इसको order आ गया 3 by 2 इस तरह से भी लिखते हैं इस तरह से भी लिखते हैं 3 by 2 इसको अगर हम multiply कर भी देते हैं तो ये आ जाएगा 6 तो कितने इसमें elements हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 this is called the order of the matrix अब इस एक्सरसाइज में जो तीसरी बड़ी अब एक और चीज है मैं आपको जल्दी से वो भी बता देता हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एक साइंटिफिक फार्मूला भी है इनकी पोजीशन जानने का इनकी जो पोजीशंस हैं ये वन है ये किधर है रो नंबर वन है और कॉलम नंबर वन की पोजीशन जो है इसमें ये वन है इसी तरह रो नंबर वन कॉलम नंबर टू ये पोजीशन है यहां पे थ्री है अब किसी भी जो नंबर है उसके बारे में जानने के लिए ये कौन सा नंबर है उसका एक साइंटिफिक नेम है वो है फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका साइंटिफिक फार्मूला क्या है ए इज इक्वल टू ए सफिक्स आई जे एम बाय एन इस मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है ए सफिक्स आई जे एम बाय एन एम बाई एन तो हम इसका ऑर्डर तो जान चुके हैं कि ये ऑर्डर है इसका एम बाई एन तो ए आई जी क्या है अब ए क्या है ये है सॉरी ये है सिंबल ऑफ एलिमेंट सिंबल ऑफ एलिमेंट और ये सफिक्स आई जो है आई इस ये किस चीज को डिनोट कर रहा है रिस्पेक्टिव रो नंबर और ये जे जो है ये किसको डिनोट कर रहा है रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर ये वो सिंबल है उसकी कि वो कौन सा एलिमेंट है वन है टू है फाइव है सिक्स है कुछ और है उसकी सिंबल ये होगी आई वो कौन सी रो है उसकी रिस्पेक्टिव रो नंबर और जे रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर
अब इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें ए कौन, ए क्या है, एलिमेंट कौन सा है, ए एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है, ए सफिक्स आई जो है वो वन है और जे टू है, मतलब ये कौन सा एलिमेंट होगा, इस तरह से इसे यूज करेंगे, ये कौन सा एलिमेंट होगा कि जो रो नंबर वन है और कॉलम नंबर टू पे में मौजूद है इस मैट्रिक्स में। रो नंबर वन ये है, कॉलम नंबर टू ये है, रो नंबर वन ये है और कॉलम नंबर टू सी वन सी टू, ये वाला इसके सिंबल क्या है, इस ये हमारे पास थ्री है। इस तरह हम ए टू वन भी जान लेते हैं, ए टू मीन के दो नंबर रो में, रो नंबर टू में कॉलम नंबर वन में कौन सा एलिमेंट है, रो नंबर टू कॉलम नंबर वन में ये वाला एलिमेंट है, तो ये टू है। इस तरह से हम रिस्पेक्टिव रो नंबर और रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर को यूज करते हुए इस साइंटिफिक फार्मूला को उस सिंबल तक पहुंचते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो इस्तेमाल हुए है। तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में एक तीसरी चीज है। पहले हमने क्या पढ़ा, डिफाइन मैट्रिसेस, दूसरा हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बाद इसमें हम इसके इंग्रेडिएंट्स को जाने हमने, उसके बाद हम अब थोड़ा इरेज करके इसकी जो नेक्स्ट चीज है वो भी जान लेते हैं, जो थ्री नंबर पे हम इसको नंबर थ्री करें, वो क्या है, वो है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। के इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लिए ये डेफिनेशंस हैं, ये साथ ही ऑब्जेक्टिव भी, व्हाट इज द इक्वल ऑफ मैट्रिक्स तैयारी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, बी है 3 1 7 2, एक तो ये आ गया, और दूसरा जो है सी है, सी मैट्रिक्स ये हमारे पास है 2 + 1 0 + 1 3 + 4 2। अब इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये जानेंगे, इसकी दो कंडीशंस हैं, देयर आर टू प्री कंडीशंस टू नो वेदर दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, बी इज इक्वल टू सी, उसकी टू कंडीशंस हैं। तो नंबर वन कंडीशन कौन सी है, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम। अब आप देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 2, तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 by 2। इस तरह इसमें भी 2 by 2। इट मींस द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड एंड द ऑर्डर ऑफ द बोथ द मैट्रिक्स इज सेम। और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, द कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर सेम। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, यहां पे रो नंबर वन कॉलम नंबर वन, नंबर कौन सा है 3, यहां पे रो नंबर वन कॉलम नंबर वन, नंबर क्या बनता है 2 + 1 3 बनता है,
इट मीन यहां पे भी थ्री है, यहां पे भी थ्री। ये जो एंट्री है दोनों में, ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है और ये सेम है। इसी तरह इसमें वन है और वन बनता है, ये भी सेम है। थ्री प्लस फोर इज सेवन एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इज सेवन, टू एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इज टू। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स वेयर द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज सेम एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो सेम इज कॉल्ड इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, ये छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये थी इसकी कुछ डेफिनेशंस, जो इनका जानना बहुत जरूरी था। एक्सरसाइज नंबर वन में शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज, जल्दी से वीडियो लंबी हो रही है। तो एक्सरसाइज नंबर इसकी है वन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर वन है इसका। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ये जो इस आप अपनी बुक्स निकाल लेंगे उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, दोबारा लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर वन में ये मुख्तलिफ मैट्रिसेस नंबर ए है, तो आप देखेंगे उधर से टैली करेंगे कि मैट्रिक्स ए, ये एक एक आधा लिख लेते हैं, वो क्या है, टू थ्री माइनस फाइव सिक्स। इसका ऑर्डर क्या बना, कितनी रोज हैं, दो, बाय कॉलम्स कितने हैं, टू। इसका ऑर्डर क्या है, टू बाय टू। इसी तरह आप देख लें कि बी का ऑर्डर क्या बनता है, टू बाय टू, जल्दी से लिख लें, टू बाय टू। इसका ऑर्डर बन गया सी, सी सी हमारे पास है टू फोर। इसमें कितनी रोज हैं, एक रो है और कॉलम कितनी है, टू, वन बाई टू इसका। इस तरह आपसे ये इतना आसान है वो आप कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये अभी हम इसी के लिए पढ़ चुके हैं कि इन मैट्रिसेस में कौन से इक्वल हैं। आपको पहले बताया कि उसकी दो प्री कंडीशंस हैं कि एक तो वो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और दूसरा ये कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तब जो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं। वो हमने आप ये देखना है नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आप बुक्स देख रहे हैं अपनी अपनी निकालें और देखें कि ये कौन सी जो हमारे पास जो ये ए मैट्रिक्स है, ये कादा ये भी कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही एलिमेंट है। इट मीन्स इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है, इसका जो ऑर्डर है वो वन बाय वन है। तो आप देखें कि ये जो आपके पास नीचे मैट्रिसेस इसी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसमें कोई ऐसा है कि जिसमें एक ही एलिमेंट है, थ्री। इसमें आप देखेंगे कि ये सी मैट्रिक्स है, सी है, ये दिया हुआ है फाइव माइनस टू, तो फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री।
इट मीन्स दिस, इसका जो ऑर्डर है वो भी सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू सी। इसी तरह एक और कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बी नंबर चलें बी भी छोटा सा है, हम देखते हैं जे नंबर के साथ इक्वल कौन सा है। जे नंबर 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0, ये हमारे पास नंबर्स हैं और इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 बनता है, आप देख रहे होंगे। तो ये बनेगा क्या, J इज इक्वल टू 4 0 6 2। आप देखेंगे इस तरह का जिसमें 2 by 2 ऑर्डर हो और एलिमेंट सेम हो, आपके इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर है। फिर आप देखेंगे जे एच 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 क्या है, सिक्स ना फोर जीरो सिक्स टू, ऑर्डर भी सेम है। इसी तरह का कोई और है तो वो भी देख लें, ई भी सेम है। तो जे इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई, ये इक्वल हो गए, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बाकी आप खुद निकालेंगे, आसान सा बिल्कुल। जरा मुश्किल एक्सरसाइजेज होंगी तो वो हम ईच ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, तो ये आसान सा है, इसको आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसी एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ ए बी सी डी सी एंड डी, विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन, सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपके पास इन्होंने ये दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिए हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स हैं, ए प्लस सी है, ए प्लस टू बी है, उसके बाद सी माइनस वन है और फोर डी माइनस सिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है और ये कह रहे हैं ये बराबर है किसके, विच इज इक्वल टू 0 7 3 2 डी, इसके इक्वल है। जब ये आपके पास ये इक्वल है तो ये कह रहे हैं कि फिर आप इसको सॉल्व करके हमें बताएं कि ए बी सी और डी की वैल्यूज क्या हैं, ये जो है इनकी वैल्यूज निकाल के दें। अब हमने ये अभी इसी वीडियो में पढ़ा है कि जब दो मैट्रिक्स, ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी, दो मैट्रिक्स हैं इनके ऑर्डर सेम है 2 by 2, 2 by 2, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो फिर हम इसको शक्ल देंगे, इसको इक्वेशंस की शक्ल में ले आते हैं। पहले वो क्या है,
giving the shape of statement के साथ लिखते हैं the shape of matrices of a equation to both the matrices अब हम ये फॉर एग्जांपल जब ये हमने ये पढ़ा है कि इनकी एलिमेंट की जो कोरिस्पेंडिंग एंट्री इसमें जो पहली एंट्री है वो है सी और ये प्लस सी तो इज इक्वल टू इसकी जो कोरिस्पोंडिंग एंट्री जीरो है इज इक्वल टू जीरो इसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू हम बना लेते हैं कौन सी है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू इसमें क्या माइनस सेवन इक्वेशन थ्री है सी माइनस वन इज इक्वल टू सी माइनस वन की कोरिस्पोंडिंग एंट्री ये है थ्री सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर फोर जो है वो क्या बनती है